अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन के पकोड़ों की रेसिपी। मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने पूछा था तो मैंने कहा चलो मैं इसकी एक छोटी सी क्विक सी रेसिपी जो है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आई होप कि आपको आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए बोनलेस चिकन, आपकी अपनी मर्जी है जितना आप बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक ले लें। उसके बाद तकरीबन 1.5 स्पून जो है मैंने इसमें योगर्ट डाला है, 4 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें 1/2 टीस्पून जो है तो ये गरम मसाला डाल दिया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पपरिका पाउडर डाला है क्योंकि हम चिली यूज़ नहीं करते, आप यहाँ पर चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये मिक्स मसाला है, इसमें जो है तो ज़ीरा पाउडर और हल्दी ये सारी चीज़ें मिक्स है, मैंने वो डाल दिए तकरीबन 1 टीस्पून। और उसमें हसबे ज़रूरत जो है तो नमक डाल दिया। अब इसको प्रॉपरली जो है तो हम इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। मैं तो ज़्यादा टाइम के लिए रखती हूँ, 2 घंटे के लिए। उसे ये होता है कि और भी ज़्यादा अच्छा सा उसका टेस्ट आता है। और अगर आपके पास तिल मौजूद है तो आप इसमें तिल यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास मौजूद है, ऑप्शनल है टोटली, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इट्स अप टू यू। इसे बहुत अच्छा लुक आता है। और ये जो है तो मैरिनेट करने के बाद अभी इसको मैं मीडियम फ्लेम पर बना रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसको बनाया है और बहुत ही यमी लुक आ रहा है और बहुत यमी टेस्ट भी था। आप देख सकते हैं तिल की वजह से वो और ज़्यादा जो है तो अच्छे लग रहे हैं, उसका कलर कितना मज़े का है और चिकन अंदर से भी बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्ट था। आई होप कि आपको जो है तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं, जहाँ रहे खुश और आबाद रहे, मुझे मेरे घर वालों को मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।